नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानधार हर्षोली में। दोस्तों 30 मई 2019 को PTET का रिजल्ट आ चुका है। जैसा आपको मालूम है, यह रिजल्ट केवल 18 दिन में ही PTET ने जारी कर दिया। इतनी जल्दी राजस्थान का अधिकांशतः कोई रिजल्ट होता नहीं है, इसलिए अब आपको बता दें कि अब जो काउंसलिंग प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया है वो अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसलिए आप दस्तावेजों को अपनों को बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि आप में से बहुत से बिल्कुल फ्रेशर हैं जो पहले बार टेस्ट दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने विगत वर्ष दिया था लेकिन काउंसलिंग तक नहीं पहुंचे थे, तो आपको भी इतनी नॉलेज नहीं होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि EWS और MBC को भी आरक्षण की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, जिसलिए जुड़े रहिए हमारे आज की इस वीडियो के साथ में। दोस्तों, एक बात आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ, हमारा चैनल आपकी इतनी मदद कर रहा है लेकिन आप हमारी वीडियो पे लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक बहुत कम करते हो। दोस्तों, जब आपकी इतनी हम मदद कर रहे हैं और मदद के लिए तैयार थे, एक बार यार दोस्तों लाइक ज़रूर ही कर दे भाई, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, और साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हमारी हर आधा एक घंटे में एक वीडियो आपकी समस्या के लिए आ जाती है, तो प्रत्येक वीडियो आपसे ना छूटे इसलिए आप बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आप पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देते हैं, बहुत से जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और वो बाद में बिल्कुल बहुत अफरा तफरी में और जो है काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ती। इसलिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएं, आपको बता रहे हैं कि अब इस काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसा दिखा रहे हैं कि आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसी के साथ आपका होल टिकट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अर्थात जो परमिशन लेटर है, एडमिट कार्ड है, उसकी कॉपी भी जो है आपको तैयार रखनी है। इसी के साथ दोस्तों, आपने जो अपना रिजल्ट निकलवाया उस रिजल्ट का प्रिंट आउट भी आप निकलवा के रखें, इसकी भी जो है आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस रिजल्ट की मार्कशीट के नीचे ID नंबर होते हैं दोस्तों, और इसी ID नंबर से आपको सारी प्रक्रिया करनी होगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी नहीं है, तो आप अभी जल्द से जल्द बनवा लें, और OBC वालों के लिए बता दें कि ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने 1 साल का नियम कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर जो है कई जगह इस प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देंगे, इसलिए 6th मंथ का ही आप करके तैयार रखें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी आप तैयार रखिए, जिसमें 16 नंबर फार्म या फिर ITR रिटर्न की कॉपी आप तैयार रखें। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना होगा कॉलेज में, और आपको रिसेंट में आपका लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी होना बहुत ज़रूरी है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी इसी के साथ ज़रूरी। दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। इसी के साथ आपको जो काउंसलिंग के समय जो फीस थी, उस फीस की रसीद भी दोस्तों रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप इनके नोट करके रख लें और इनकी अभी से तैयारी भी शुरू कर दें, जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको बता दें, यदि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप 45-50-60 हज़ार तक का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवा के भी तैयार रखें। इसी के साथ आपका फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि नहीं है तो आप तुरंत बनवा लें, अभी आपके पास थोड़ा समय, बाद में अन्यथा बहुत ही आपके समस्या हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण की, जैसे SC ST OBC सभी को आरक्षण, इसी प्रकार दोस्तों EWS और MBC दोनों कैटेगरी में भी आरक्षण आपको मिलेगा। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डेफिनेट इसका फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए आप इन सबसे संबंधित अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को तैयार रखें। दोस्तों, आज आपकी जो भी छोटी समस्या होती है हम उसको लेकर तुरंत हाजिर हो जाते हैं, फिर भी आप कमेंट्स करके हमें बताइए, हम प्रत्येक ज्ञानधार हर्षोली चैनल एकमात्र चैनल है जो आपके प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करता है, इसलिए आपकी जो भी कोई क्वेरी है, समस्या है दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, हम वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे आपकी समस्या के लिए। और आपसे अंत में एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत और मशक्क़त से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, एक लाइक आपका बनता है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।